चलो दोस्तों, तो आज हम लोग डेवऑप्स के अगले टूर को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारे डेवऑप्स के टूर का जो नाम है वो है क्लाउड फॉर्मेशन। दोस्तों, क्लाउड फॉर्मेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिकली ये AWS के साथ यूज होता है। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन का बेनिफिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं कि क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं था तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे प्रॉब्लम्स आते थे, है ना। पहले वो समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड कंपनी है और ये कंपनी AWS पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मान लो इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया, इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में यह था कि पूरा का पूरा AWS पे सेटअप लगाना है, पूरा का पूरा डेटा सेंटर लगाना है, जैसे इंस्टांस, VPC, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, सब कुछ लगाना है। तो काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट आया। तो ये XYZ नाम की जो कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में करके दे देगी? तो अगर हम बात करें मैनुअल की, है ना, वेब कंसोल में जाके अगर बंदा मैनुअली EC2 क्रिएट करता है, VPC क्रिएट करता है, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 वीक एक प्रोजेक्ट को करने में, कम से कम 7 डेज तो आप मान ही लीजिए, है ना, क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर सेटअप लगाना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, 1 हफ्ते तो लगना ही लगना है। किसको? इस XYZ कंपनी को, इस सेटअप को लगाने में, इस प्रोजेक्ट को लगाने में 1 हफ्ते लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस XYZ नाम की कंपनी के पास 30 प्रोजेक्ट्स आ गए। कितने आ गए? 30 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, 30 प्रोजेक्ट्स आ गए, इसका मतलब अब इसके पास 30 प्रोजेक्ट्स हैं। यहां पर लिख देता हूं एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बता दो ये जो बॉक्स है समझ दो एक बॉक्स एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 2 ये हो गया, मान लो प्रोजेक्ट 3 ये हो गया, आपका प्रोजेक्ट 4 ये हो गया, प्रोजेक्ट 5 ये हो गया, प्रोजेक्ट 6 ये हो गया, प्रोजेक्ट 7। ठीक है, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऐसे 30। तो एक प्रोजेक्ट को लगाने में अगर 30 डेज लग रहे हैं तो आप समझ दो 30 प्रोजेक्ट्स लगाने में कितने दिन लग जाएंगे। जरा कैलकुलेशन करें, 30 प्रोजेक्ट्स लगाने में इस XYZ नाम की XYZ नाम की कंपनी को कितने दिन लगेंगे? तो 7 डेज एक प्रोजेक्ट में, तो 30 प्रोजेक्ट 210 दिन, 210 दिन लग रहे हैं, मतलब 6 महीना के ऊपर समझ लो। ठीक है, या फिर XYZ नाम की कंपनी को बहुत सारे बंदे रखने पड़ेंगे जो पैरेलली प्रोजेक्ट पे काम करें, तो फिर बंदे लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, राइट। तो देखो टाइम टेकिंग है। और दूसरी बात, अगर प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, अब प्रोजेक्ट की डीप्रोविजनिंग करनी है, डीप्रोविजनिंग मतलब प्रोजेक्ट को हटाना है, तो अब आप एक एक करके हटाएंगे तो हटाने में भी टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है, प्रोजेक्ट में जो भी सेटिंग किया है, जो भी VPC बनाया, जो भी लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, जो भी आपने किया, उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन बैकअप भी आपके पास नहीं है। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, कोई रिपोर्ट मांगे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हाथ खड़े करते। तो दोस्तों, आप अभी तक जो भी AWS पे काम कर रहे थे ना, वो एक मैनुअल वे था, और एक देखा जाए तो एक स्मार्ट तरीके से आप काम नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए कि मान लीजिए ये दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, ये एक पर्सन है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, ये एक पर्सन है, ये दो एक पर्सन है। अब मैंने क्या किया, इस
इस बंदे को मैंने 50 लाख रुपए दिया, इस बंदे को भी मैंने 50 लाख दिया, ठीक है, किस चीज के लिए? मकान बनवाने के लिए। अब ये बंदा क्या करता है, 50 लाख से मकान बनवाएगा, ये भी 50 लाख से मकान बनवाएगा, लेकिन अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदे ने मजदूर बुला लिए, मकान बनाने के मटेरियल्स मंगवा लिए मार्केट से, और खुद ही खड़ा हो गया, बताने लग गया कि भाई ऐसे दीवार बना दो, राइट, यहाँ पर ये कमरा बनवा देना, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ पर फलाना ढिकाना, ऐसे करके इसने बनवा लिया। ये मकान बनेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इस बंदे ने मकान बनवाने के लिए क्या किया, इसने सबसे पहले एक इंजीनियर के पास गया, एक डायग्राम आर्किटेक्चर नक्शा बनवा के लाया, नक्शे में सब कुछ सेट था कहाँ क्या बनेगा, और उसी तरह से उसने एक कॉन्ट्रेक्टर बुलाया और कॉन्ट्रेक्टर को आर्किटेक्चर नक्शा दिखाया और बोला कि मुझे एज इट इज एसेस घर चाहिए। तो दोनों ही के घर रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसके घर आर्किटेक्चर के साथ रेडी हो रहा है, इसके घर नॉन आर्किटेक्चर। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि कल को इस बंदे से कोई बंदा आके पूछे कि भाई तूने जो घर बनाया है मुझे बता, मैं भी बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो एकदम सेम कॉपी नहीं बन सकती क्योंकि इसके पास कोई आर्किटेक्चर नहीं था। लेकिन इस बंदे के पास अगर कोई आता है बोलता है कि भाई मुझे तेरे जैसे ही घर बनवाने, तो ये क्या करेगा, उस नक्शा की आर्किटेक्चर की कॉपी दे देगा, बोलेगा ले लेके जा, तो एकदम सेम एज इट इज घर खड़ा हो सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो, अगर मान लो भूकंप आया और भूकंप आके ये घर गिर गया, तो भूकंप आने से अगर ये घर गिर गया तो सेम एज इट इज आप ऐसे घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये वाला घर गिर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आर्किटेक्चर नक्शा है, दोबारा खड़ा हो। इसी तरीके से आप अभी तक जो काम कर रहे थे AWS में, VPC वगैरह बना रहे थे, वो ये वाला मेथड था, ये वाला, लेकिन अब हम इस तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से काम करना है तो क्या करना होता है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन यूज करना होता है। तो अब क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम एक टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट के अंदर हम पूरी डिमांड्स लिख देते हैं कि भाई इस टेम्पलेट के अंदर ये इतने इंस्टेंस बनाने हैं, VPC बनाना है, लोड बैलेंसर बनाना है, वो सारी चीजें हम लिख देते हैं। और हमने जैसे ये हमने एक टेम्पलेट बना लिया और टेम्पलेट में हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया कि भाई EC2 क्रिएट कर दे, VPC क्रिएट कर दे, सब कुछ हमने यहाँ पे कोड के फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये टेम्पलेट बन गया। अब इस टेम्पलेट को हम क्या करते हैं, हम AWS के कंसोल में जाएंगे, वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन के डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पर एक स्टैक बनाएंगे, उस स्टैक के अंदर अपना ये टेम्पलेट हम अपलोड करेंगे और उसके बाद वो स्टैक क्रिएट हो जाएगा। अब उस वो स्टैक जब क्रिएट होगा तो उसके अंदर जो टेम्पलेट था, टेम्पलेट के अंदर जो कोडिंग थी, उस कोडिंग के अंदर हमने डिफाइन किया है EC2 क्रिएट कर दे, लोड बैलेंसर क्रिएट कर दे, लोड बैलेंसर को इससे अटैच कर दे, ऑटो स्केलिंग असाइन कर दे, सब कुछ डिफाइन है। तो जब वो स्टैक बन के रेडी होगा तो पूरा का पूरा सेटअप अपने आप प्रोविजन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आपके पास वो टेम्पलेट भी आ जाएगा। अब अगर आपके पास वो टेम्पलेट आ गया तो मान लो आप उस टेम्पलेट को ना किसी दूसरे को दे दो, मतलब आपने क्या करना होगा, आपके पास XYZ नाम की कंपनी के पास जब पहला प्रोजेक्ट आया तो पहला प्रोजेक्ट को लगाने के लिए XYZ कंपनी ने एक बार टेम्पलेट लिख लिया, टेम्पलेट को बनाने में एक बार कोडिंग कर ली। अब XYZ नाम की कंपनी के पास जब दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो XYZ नाम की कंपनी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अब टेम्पलेट के अंदर दोबारा कोडिंग नहीं करती, वो उसी टेम्पलेट के अंदर जाकर मॉडिफाइड कर लेते हैं, मतलब दूसरे वाले प्रोजेक्ट की नेम वैल्यू की वैल्यू पेयर चेंज करके सेम टेम्पलेट को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया अगले प्रोजेक्ट के लिए भी, ठीक है, ऐसे सेम टेम्पलेट को उन्होंने तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, फोर्थ नंबर के लिए भी कर लिया। तो अब फर्दर देखो टाइम बचने लगा, तो एक बार आपको कोडिंग करने में, टेम्पलेट को बनाने में, अंदर कोड लिखने में एक बार आपको मेहनत लगी, उसके बाद फिर आपके काम आसान हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अब मान लो ये आपने प्रोजेक्ट लगाया है सिंगापुर रीजन में, ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट आपने लगाया मान लो सिंगापुर रीजन में, अब क्लाइंट आपसे बोलता है कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट हमें ना नॉर्दर्न वर्जीनिया में शिफ्ट करना है। तो अगर आपने इसको मैनुअल डिप्लॉयमेंट किया होता तो देखिए आपको नॉर्दर्न वर्जीनिया में शिफ्ट करने में फिर 7 दिन लगते, लेकिन अगर आपने इसको क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू किया है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू किया है, तो कोई बात नहीं भाई, क्लाइंट ने बोला इसको नॉर्दर्न वर्जीनिया में शिफ्ट करना है,
तो हमारे पास वो टेम्पलेट ऑलरेडी है, हम उस टेम्पलेट को लेके नॉर्दर्न वर्जीनिया में लेके गए, वहां पर एक स्टैक बना, वहां पर सेटअप विद इन द मिनट डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो कितना बड़ा बेनिफिट्स है अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बनाकर डिप्लॉयमेंट करते हो। ठीक है, अगला बेनिफिट मैं आपको और बताता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन का। देखो मान लो अगर ये प्रोजेक्ट हमें डी प्रोविजन करना है, डी कमीशन करना है, तो अब डी कमीशन करने के लिए अब ये प्रोजेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन के स्टैक के थ्रू खड़ा हुआ है, तो आप क्या करिए उस स्टैक को जाके डिलीट कर दीजिए। तो जब आप उस स्टैक को जाके डिलीट करेंगे तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा वो उस स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट था, टेम्पलेट के अंदर जो कोडिंग था, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने का था, अब वो स्टैक डिलीट, तो टेम्पलेट भी हट गया, प्रोजेक्ट भी डीप्रोविजन हो गया। तो डीप्रोविजनिंग में भी आपको टाइम कम लगता है। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो ये बेनिफिट है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ AWS के साथ सपोर्टेड है, राइट? आप अगर दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे जाएंगे तो वहां पर उनकी अपनी ऐसी सर्विस है। ठीक है, लेकिन आपने एक टेराफॉर्म का नाम सुना होगा, टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म जो है वो एक अलग कंपनी है, एक हसी कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन है जो टेराफॉर्म को बनाया है, और टेराफॉर्म के थ्रू आप AWS में भी सेम काम कर सकते हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन करके दे रहा है। ठीक है, तो टेराफॉर्म एज अ ग्लोबली का मतलब क्या है कि टेराफॉर्म AWS के लिए भी सपोर्टेड है, Azure के लिए भी सपोर्टेड है, और गूगल क्लाउड के लिए भी सपोर्टेड है, ऐसे 75 प्लस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ वो सपोर्ट कर जाता है। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो AWS का अपना प्रोडक्ट है, तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ AWS के लिए है। तो मोस्टली कंपनी जो AWS पे काम करती है वो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू डिप्लॉयमेंट करते हैं, राइट? लेकिन कई ऐसी कंपनी होती हैं जिनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के आ जाते हैं। जैसे ये एक्सप्रोजेक्ट नाम की कंपनी है, अब इसके पास एक प्रोजेक्ट मान लो AWS पे आ गया, दूसरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट Azure पे आ गया, तीसरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट गूगल क्लाउड पे आ गया, तो अब ये कंपनी क्या करेगी? जैसे जो प्रोजेक्ट AWS पे आ गया वो क्लाउड फॉर्मेशन से वो लोग कर दिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट Azure पे आ गया तो वहां पर Azure की अपनी सर्विस है, वहां कर दिए। गूगल क्लाउड पे एक प्रोजेक्ट आ गया तो गूगल क्लाउड पे एक सर्विस है, वहां पे उससे कर दिए। लेकिन अगर ये XYZ नाम की कंपनी इस प्रोविजनिंग और डी प्रोविजनिंग के लिए अगर वो टेराफॉर्म का इस्तेमाल करती तो टेराफॉर्म क्या बोलता है कि मैं AWS पे भी सपोर्ट कर जाता हूँ, गूगल क्लाउड पे भी और Azure पे भी। तो टेराफॉर्म एक ग्लोबली है, हम इस टॉपिक पे टेराफॉर्म की बात नहीं करेंगे, टेराफॉर्म के अलग सिलेबस वीडियोस हम क्रिएट करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन को पे काम कैसे करते हैं ये चीज हमें सीखना है। तो अब कई बंदे बोलते हैं सर क्लाउड फॉर्मेशन में जो हम स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट डालेंगे, टेम्पलेट के अंदर जो कोडिंग है, अब हम डेवलपमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो क्या हम कोड लिख लेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, जो टेम्पलेट आप बनाओगे, टेम्पलेट के अंदर जो कोडिंग लिखी जाती है वो दो लैंग्वेज में लिखी जाती है, एक YAML और JSON। अभी तक कोई तीसरी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, और YAML और JSON जो है बहुत ही इजिली है, उसपे कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत प्लेन टेक्स्ट है। मैं जब आपको कोड लिखना बताऊंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे और इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये YAML और JSON में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है तो उसके लिए AWS ने क्या बोला है कि आपको कोडिंग अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मेरा एक डिजाइनर है, आप उस डिजाइनर में जाके अपनी डिमांड डालते जाइए, ऑटोमेटिक बैकएंड में कोड बनते जाएगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन का एक डिजाइनर भी है, आपको अगर कोडिंग में कोई दिक्कत है तो आप डिजाइनर से जाकर भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप टेम्पलेट को पे कोडिंग खुद से करें, डिजाइनर का इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप खुद से कोडिंग करते हैं तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, अब जो कोडिंग हम करते हैं वो कोडिंग आप ऑफलाइन भी बैठ के कर सकते हो और ऑनलाइन भी बैठ के कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ कि आप चुपचाप से एक नोटपैड फाइल खोल लो, क्या कर लो, चुपचाप से आप एक एक नोटपैड फाइल खोल लो और यहां पर आप YAML या JSON में लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखते हो मैं बाद में बताऊंगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ये चीज कर सकते हो कि आपको लगता है कुछ सिंटैक्स को लेकर देखना है तो आप यहां पे लिखो ऑनलाइन ऑनलाइन JSON एडिटर, तो आप ऐसे ऑनलाइन में भी जाकर भी कोड आप लिख सकते हो। दोनों तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, यहाँ पे जाके लिखिए, कुछ सिंटेक्स होगा तो बता देगा।
प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें हम देखने वाले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन से EC2 बना सकते हैं, लोड बैलेंसर बना सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आप क्लाउड फॉर्मेशन में जब आप जो चीज सीखते हो वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसके टेम्पलेट सेक्शन का ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो टेम्पलेट के कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कौन कौन से सेक्शन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट सेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो टेम्पलेट सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन आता है कि AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन, राइट। तीसरा आपका आता है मेटा डेटा। फोर्थ नंबर आता है आपका पैरामीटर। फिफ्थ नंबर आता है आपका मैपिंग। सिक्स्थ नंबर आता है आपका कंडीशन। सिक्स्थ नंबर आपका आता है यहां पर कंडीशन, और सेवन नंबर आपका आता है आउटपुट, और एट नंबर आता है आपका रिसोर्स। तो ये टेम्पलेट जब आप लिखोगे, टेम्पलेट के अंदर इतने सेक्शंस होते हैं और इन्हीं सेक्शंस को हमें पढ़ना है। आप इसको क्लाउड फॉर्मेशन का सिलेबस समझ लें तो आप वन नंबर टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेटाडेटा, पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशंस, आउटपुट एंड रिसोर्सेज। तो ये इतने सेक्शंस होते हैं और इन सेक्शंस को हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे एक एक करके। यही सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये सारे सेक्शन आप जान जाते हैं, अगर आप ये सारे सेक्शन सीख लें तो आप टेम्पलेट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इन सेक्शन में ऑप्शनल कौन है और रिक्वायर्ड कौन है। तो सेक्शन नंबर वन से लेकर सेक्शन नंबर सेवन तक ये जो है ये जस्ट लाइक ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल है। आप टेम्पलेट बनाते टाइम इसको ना डिफाइन करें तब भी चलेगा। क्या है ये? ऑप्शनल है, राइट। लेकिन ये जो रिसोर्स है ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप एक टेम्पलेट बनाने जाएं तो कुछ डिफाइन करें या ना करें, रिसोर्स वाला सेक्शन तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होता है। तो आप अगर नॉर्मल AWS सिलेबस की बात करें सोल्यूशन आर्किटेक्ट में, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला जो बंदा है जो क्लाउड फॉर्मेशन में पढ़ता है वो सिर्फ रिसोर्स वाले को पढ़ता है, बाकी सेक्शंस को नहीं पढ़ता। लेकिन हम यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें हम सारे के सारे पूरे के पूरे 1 से 8 सेक्शन तक हम देखने वाले हैं। तो अगर कोई बंदा 1 से 8 सेक्शन तक क्लाउड फॉर्मेशन को पूरे सेक्शन को अगर अंडरस्टैंड कर लेता है तो एक बेस्ट क्लाउड फॉर्मेशन इंजीनियर कहला जाता है। अब वो सारा का सारा काम AWS में क्लाउड फॉर्मेशन से कर सकता है और कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, अगर वो सारे सेक्शन को लर्न कर लेता है। तो इसी तरीके से हमारा जो सिलेबस है हम सारे के सारे 8 सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, और एटलीस्ट इस टॉपिक में 10 से 12 वीडियोस जाने वाले हैं, राइट। और कुछ लाइव एग्जांपल्स, कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, ये था जस्ट काइंड ऑफ एक थ्योरी ओवरव्यू क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लैब के साथ। बाय बाय।